हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम फोटो राखी बनाना सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हैंडमेड ज्वेलरी या फिर क्राफ्ट की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं राखी बनाना। तो यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है, प्लास्टिक बैंगल और बॉल चैन, ब्लू कलर की मोती, गोल्डन कलर के, वाइट कलर के छोटे बड़े साइज के, और पर्ल रिंग, गोटा पट्टी, चक्री, गोल्डन कलर की चक्री मतलब डायमंड चक्री जिसको अधिकतर राखी में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने पोलेंस ली है, और यहाँ पर ब्लू कलर के फ्लावर, रबर शीट जिसको मैंने गोल शेप में कट किया है, घुंघरू गोल्डन कलर के, और ब्लू कलर की थ्रेड और गोल शेप का फोटो, नीडल एंड थ्रेड। तो ये जो कॉटन थ्रेड है इसको हम किसी भी चौड़ी चीज़ पर इस तरह से इसे लपटेंगे और फिर इसको कट कर देंगे। और इसको हम मतलब इसकी हम स्ट्रिप बना लेंगे कॉटन थ्रेड की, और इसको बैंगल के ऊपर चिपका देंगे और इसको पूरा वार्प कर देंगे। और अगर आपके पास कॉटन थ्रेड नहीं है तो आप इसमें सिंपल थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पूरे बैंगल पर गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं। और हम ये जो कॉटन थ्रेड है इसको वार्प करने के बाद ये जो गोटा पट्टी है इसको हम इसके ऊपर वार्प कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो रबर शीट है इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, और जो फोटो है गोल शेप का तो सबसे पहले फ़ोटो को हम रबर शीट के ऊपर चिपका देंगे और इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। और इसी के ऊपर हम इस रिंग को भी लगाएंगे, बट उससे पहले हम इसको डेकोर कर देंगे। तो डेकोर करने के लिए यहाँ पर मैं माला बनाऊंगी मोती की। तो सबसे पहले हम थ्रेड और नीडल को रेडी कर लेंगे, और ये जो घुंघरू है घुंघरू को सबसे पहले हम थ्रेड में डाल देंगे, फिर यहाँ पर नोट लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें माला को रेडी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें मोती को डाल देंगे, और इसी तरह से मैंने दोनों मालाओं को भी रेडी कर लिया है। फिर साथ में हम तीनों को अटैच कर देंगे, इनको हम साथ में बांध देंगे। और इन तीनों को बांधने के बाद हम सुई धागे से इसमें ये जो रिंग है मोती वाली इसमें अटैच कर देंगे। और ये जो मोती की रिंग है इसको हम सुई धागे से अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर वापस से हम एक और माला बनाएंगे, और इसी से हम बैंगल को भी अटैच कर देंगे।
तो इसलिए यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे। तो उसके बाद हम इसमें मोती चक्री इन सब से इसको अटैच कर देंगे, मतलब माला बना देंगे इसके बीच में। और फिर ये सब करने के बाद ही हम ये जो बैंगल है बैंगल से इसको अटैच कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पेपर फ्लावर लिए हैं और पोलेंस लिए हैं, तो सबसे पहले हम उनको कट कर देंगे। उसके बाद ये जो रिंग है रिंग के ऊपर हम पोलेन को लगा देंगे, फ्लावर को लगा देंगे ग्लू गन से। और इसके ऊपर वाले पार्ट पर भी हम पोलेंस लगाएंगे और फ्लावर को लगा देंगे। और सबसे लास्ट में हम फोटो के आसपास थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और ये जो रिंग है रिंग को हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके आसपास मतलब रिंग के अंदर हम ग्लू लगाएंगे। और ये जो बॉल चेन है ब्लू कलर की इसको भी इसमें हम अटैच कर देंगे, लगा देंगे और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जिस तरह से मैंने फ़ोटो को रेडी किया था उसी तरह से मैंने इसे भी रेडी किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिंग के अंदर मतलब इस रिंग के अंदर दो ऐसे होल है जिसमें हम धागे को लगा सकते हैं, तो इसी तरह से मैंने धागे को इसमें अटैच कर दिया है। और यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लूँगी ताकि इसका जो मुँह है पतला हो जाए और इसके अंदर मोतियों को हम डाल सकें। तो यहाँ पर मैं मोती को उसमें डाल दूँगी और उसमें हम गोल्डन कलर की चक्री को भी डाल देंगे। और यहाँ पर हम मोती और चक्रियों को डाल देंगे जिससे धागे को हम पूरा डेकोर कर देंगे राखी को। और यहाँ पर आसपास से मैं इसमें नोट भी लगा दूंगी ताकि ये जो मोती है वो थ्रेड से बाहर ना आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। एंड यहाँ पर मैं नोट लगा दूंगी इधर भी। और देखिए जो राखी है वो रेडी हो गई है, कपल राखी, भाभी राखी और भैया राखी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर भी आप ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय।